नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, अभी हम लोग उसी जगह उपस्थित हैं आज, जिस पर हम लोगों ने बच्चों के द्वारा एक टीचर के ऊपर जूता चप्पलों से मारने का जो वीडियो वायरल हुआ था, वहां अभी हम लोग पूरे गांव वाले इसकी जांच में आए हैं कि कारण क्या हुआ और किस कारण से बच्चों ने उनके ऊपर हमला किया गया है, कि इसमें टीचर की गलती है कि स्टाफ की गलती है। वो सभी तथ्यों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, टीचर से भी बात करेंगे और उस टीचर से भी बात करेंगे जिनको जूते और चप्पलों से मारा जा रहा है दोस्तों। और वीडियो जो वायरल करने के पीछे क्या कारण था, यहाँ की जो स्कूल व्यवस्था है उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग आए हैं स्कूल में, आप देख सकते हैं पूरे गांव वाले भी यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं। सभी के समक्ष ये बात रखा जाएगा और सभी से जो बात है, इतना वायरल होने के पीछे का कारणों का हम लोग तथ्यों की जांच करेंगे। हेलो, अभी हम लोग स्कूल में अभी आए हैं और पूरे स्टाफ हैं इस स्कूल के, और ग्राम के भी सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। और इसकी हम लोग जानकारी जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह हुई होगी जिस वजह से इस तरह की घटना हम लोग के गांव में पहली बार ऐसे घटित हुई, और जो वीडियो बहुत ही वायरल हो गया है अभी, और उसके जो प्रधान अध्यापक है उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या मैटर रहा होगा, और वो टीचर भी हैं जो इस घटना के भागीदार हैं, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ वैसे नशे में तो आज नहीं हो, टेंशन में नशे में कब रहते हो? उस दिन पीने हो गया सर, उसलिए अपन लोग आए थे, उस दिन लोग बाग आए थे पिला दिए, उस दिन नशा था, किस दिन मारा पिटा नहीं किया सर, आया था एक ही दिन। अरे जी, बच्चे एक ही दिन पीते हैं? नहीं, हम पीते हैं। बताओ कौन सही है, हमारे बच्चे तुम्हारे हैं ना? हमारे तो नहीं है, ये तुम लोग, हम लोग तो आज आए हैं, बात कर रहा हूँ। तो इनको तुम रोज पढ़ाते हो ना? जी, कब से बोल रहे हो? एक साल हुआ सर, पहले बनने का 12 साल। ट्रांसफर हो गया? नहीं सर, निलंबित हुआ था। इनके क्यों आते हो? इनके क्यों आते हो स्कूल? टेंशन हो गया सर, टेंशन हो, आपका पर्सनल मामला है। अच्छी सर, शिक्षा भी नहीं पीने का। तुम बनिया गांव में भी यही बोले थे, कभी नहीं पीऊंगा। 12 साल तो सर, 12 साल तो नहीं 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 गांव का लोग हूँ। चुपचाप रहो, खड़े रहो, गांव वाले हैं, बच्चे हैं। तुम बनिया गांव में भी यही बोले थे ना कि मैं अब नहीं पीऊंगा? आप नहीं गए थे सर, वो सर आया, कोई भी आया, कोई भी आया तो हमारा स्टाफ अधिकारी आया था। ऐसे क्या बात करो, मिला है तो उसको मजाक कर रहे हो? आजकल नौकरी मिल नहीं रहा है, देखो बेचारे लोग को नौकरी मिल रहा है, आज उनको नौकरी मिला है गांव घर में, और ये कर रहे हो बच्चे लोग? तुम्हारे गांव के बच्चे है ना ये? तुम्हारे गांव के है ना ये? बच्चे गलत बोल रहे हैं। कुछ ये भी खिलाफ ना होता था तब भी मैं इसको समझा, गांव वालों को सारा समझाया। अच्छा जी, यहां पे नहीं किए जी, प्रॉपर यही तो सर, तो हम लोग क्या है, एक वीडियो वायरल हुआ, उसके तहत मैं ही वीडियो बनाया है जो दोनों तथ्यों की जांच की है, ठीक है। तो उसके आधार से ना जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक ही पक्ष को दिखाया गया है, आप भी देख लो। तो इसमें चप्पलों से एक मारना किसी शिक्षक एक मर्यादित शिक्षक गलत है सर, आप लोग विभागीय हैं। तुम लोग को कौन सिखाया चप्पल से मारने का? शिकार बन जाए तो बोल रहा है तो पापा बोले बरखाते 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 प
ये बताओ तुम्हारे गुरु जी को चप्पल से मारना चाहिए? नहीं। क्यों मारे? क्यों मारे आप लोग? हमने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। लड़के लोग इधर तक ले गए थे। माने के लगभग बोला आप लोग को इतना लंबा दूर बात हो गया, कलेक्टर तक आ गए। पूरे शिक्षा समाज के लिए बहुत जी 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 बहुत और उसको अभी से नहीं पहले से शिक्षक की के आता है उसका पिता है। तुम लोग को अपने माँ बाप ने बताना था, लेकिन खुद अपने आप तुम लोग चप्पल उठा के मारे बच्चे लोग। तुम लोग को कौन सिखाया है? ऐसा गलत है कि सही है? आज से नहीं करोगे ना ऐसा? शिक्षक का जो भी है, सर आए हैं, सर हैं, बीओ सर हैं, हम लोग हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे, अधिकारी लोग कार्रवाई करेंगे ना। हमको बताइए, हमको बताओ जो भी दिक्कत है यहाँ को सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। आप लोग एक भविष्य के भावी युवा हो, ठीक है? यहाँ से अगर पढ़ के आगे बढ़ोगे ना तो मोदी जी टाइप का बनोगे आप लोग। अगर आज चप्पल उठाए हो तो कल के डेट में माँ बाप के ऊपर भी चप्पल उठाओगे। बिल्कुल। कोई अधिकारी अगर गलत कर दिया, चलो सर अभी अच्छे है, अगर ये गलत कर दिया तो कल इन्हीं के ऊपर उठाओगे? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो इस चीज को नहीं करना चाहिए ना, आपको मना करना चाहिए कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं या भैया गलत बोल रहे हैं। आप सर को कैसे हम लोग उठा के चप्पल में मारेंगे, ऐसा क्यों नहीं बोले आप लोग? ऐसे करने मना करना चाहिए। नहीं, हम यहाँ आने के लिए हम तीन दिन की बैठक बनाए इनके लिए। मैं स्टाफ से बोल रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ आप लोग ऐसा कभी समस्या होती है ना यहाँ पर संकुल समन्वयक सी एस सी होते हैं है ना, उसके माध्यम से हम तक पहुँचाइए। आप लोग नहीं आ पाते हैं उनके माध्यम से पहुँचाइए या आप लोग आइए हमारे कार्यालय। नहीं दिए थे, उनको दिए थे सूचना तो दे सकते हैं। सी एस सी है, सीएससी हमको मोबाइल कर सकते हैं। उस दिन में जो घटना घटित हुआ सर, तो सीएससी सर भी यहाँ आए थे। वो हम लोग को तो नहीं पता क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। श्याम सुंदर सत्ता, मैं कौन तो सर ये गलत किए हम लोग को अच्छा नहीं लगा। बी भाग के कोई विद्यार्थी मन नहीं आ रहा है, इतना दिन चल वो भी नहीं चलता सर, वो नहीं चलता। लेकिन चलो एक दिन टेंशन में रहा, लेकिन यहाँ रोज का यहाँ आके वो चीज नहीं करना चाहिए ना आपको। सब भी इंसान हो, शिक्षा भी डेली भी लेते हो? नहीं लेते। रुपए मिला तो कुछ लोग गांव के पंचर आने के लिए डेली नहीं लेता। ऐसे कभी कभार शाम को देवार बार होने से लेता है वाले हैं। उस दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तब लेके आया होगा। देवार है जज का, लेकिन उस दिन में कुछ घटना हुआ क्या? आप बच्चे लोग को मारे या प्रताड़ित किए, गाली गलौज किए? किए थे बच्चे? मारपीट किए थे क्या? जी इधर से मारा था सर, ऐसा जिसको मारा था किसको है कौन है वो क्या उल्लास है क्या हुआ सर ने कुछ गलती किए थे? शांत कराने के लिए बहुत जोर से मारेगा। आप ऐसे बोले क्या? खेलो खेलो बोल के चिल्लाए? अच्छा इसने बोला सभी बच्चों को खेलो बोलने के लिए चिल्लाए क्या? ऐसी बोले तब सर आपको कान पकड़वाए? लेकिन मारने को नहीं, आपको मालूम है ना? नहीं मारा, मुंह से बोलना है, जोर से बोलना है, उसको मारना नहीं है। जी सर, ये तो शुरू से आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी सर, है ना? मेरा 14 साल होता है। हाँ 14 साल है, सब ठीक है। दीपा के स्कूल मत आया करो, समझ रहे हैं?
कैसे माने हम किसी पार्टी में आऊंगा? नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा सर। जी सर। नहीं, यहाँ से दूसरा जगह नया भर्ती तो लिखा पड़ी रहे सर, इसको एक बार दिया जाए उसके बाद इसको बर्खास्त किया जाए। मेरा भाई है मगर मैं बोल रहा हूँ स्वयं, इसको निकल आइए। और इसको नौकरी नहीं दिया जाता, एकदम सीधा कल सर आप तो आप लोग इसको सुधारने के लिए बाहर भेजोगे? नहीं सर, एक बार एक चांस, एक बार दूसरा जो भी चांस हो सर, निलंबित तो पैसा एक बार क्या है, गांव वाले लिखा मीठा है क्या, एक बार क्यों हम गांव वाले बोल रहे हैं? नहीं, ये मैटर ना आगे तक भी नहीं जाता, ठीक है। इसके पीछे भी ये तो वीडियो वायरल होने की, भले वो 10-20 मिनट सेकंड का जो वीडियो है ना, ये पूरे एरिया को ना लेकिन ये वीडियो जो है ना डायरेक्टली एकदम वायरल, असम्मानित हो गया ना सर, चप्पल मार के थे ना वो चीज, और एक जगह शिक्षक को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, कोशिश करना किसी की बात नहीं, जैसे अभी आप लोग स्टाफ हैं, आपके पास पावर है, हम लोग ना बात भी नहीं कर सकते बिना कारण के, क्योंकि वो पावर सरकार देता है, संविधान देता है। और एक शिक्षक है जो वर्दीधारी कोई भी हो, उसका वर्दी का पावर है, उसके अंदर जो इंसान है उसका नहीं होता है, जब वो वर्दी में नहीं रहेगा वो आम इंसान है। और एक शिक्षक स्कूल के अंदर रहेगा ना तो उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है कि वो एक सरकारी अधिकारी है, और हम लोग संविधान को हाथ में नहीं ले सकते सर। आपको मैं यही कहूँ सर, यहीं से पढ़ा, यहीं से मेरा पुराना संबंध है, जब मैं वीडियो बना रहा था मैं भावुक हो गया पूरी तरह से, क्योंकि जुड़ा हुआ है। वीडियो कौन बनाया? वीडियो मतलब जैसे वायरल हो गया ना, उसके बाद जो यहाँ का जो स्थिति है, वीडियो यहीं से वायरल हुआ है, उसकी पुष्टि मैंने। एक्चुअल में क्या वीडियो समाधान नहीं है? वीडियो समाधान नहीं है, तो ग्राम मिशन चैनल पर जाना चाहिए, उसको करना चाहिए, समाधान होता है, उसको वायरल करने का मकसद समझ में नहीं आया, बहुत बड़ा दुख देता है।
सर उसके नशे का वायरल कर कलर बांटे साला ग्राम माना का वायर एसएमसी बैठक करते एसएमसी से निर्णय लेते हाँ है ना सही एसएमसी में नहीं जी सर बच्चे अपने मन से नहीं मार रहे बच्चे बोल रहे हैं अपने मन से चप्पल से नहीं मार रहे हमको सिखाया गया अपने माध्यम से करके अपना मान लियो समझ में आ रहा है ये ज्यादा वीडियो बना ये पूरे ना शर्मा साहब का इनका वीडियो बना है तो ये वीडियो बना के वायरल करने के पीछे का मकसद थोड़ा सा समझाने से इनको इनको वो गए शरीर का सर रोज का पीना है वो चीज हमारे गरीब बच्चे मगर आपका अधिकार सब परेशान है सर मैंने कोई नहीं उठेगा तेरा गलती होती है तो फोन करके डिसाइड करना चाहिए था ना उस वीडियो में एक बात आप ध्यान नहीं दिए होंगे सभाए मारा बोलती एक बात है फर्स्ट आपको कोई आदेश दिया था कि ऐसा वीडियो बनाओ या टीचर को मार कराओ टीचर का काम कराया हम लोग अपमान कर शिक्षा विभाग का वीडियो से कोई समाधान नहीं होता है समझ गया आप उस इसको बकायदा साला ग्राम के प्रमुख लोगों के साथ बात करना चाहिए उसको बड़े पता था लेटर बना या सीएससी को सीएससी को पूरा कार्रवाई करके बीओ को भेजे उसके बाद और स्टेप बाय स्टेप चलता है जैसे मीटा भी है जिस पर समिति में क्या लगाया था भाई लेकिन माता पिता के लेकिन वहां पर नहीं हो गया मारते हुए किसी का वीडियो वायरल करना उचित नहीं है भाई क्योंकि वो एक शिक्षक है पद में है वो उसको रोड से बाहर आप कितने ही कुछ भी करो कोई वो नहीं है अरे एक गुरुजी है अंदर में पढ़ा रहा है अंदर का काम बच्चे का काम ये जानता है तुमको खाना बनाना है तुम खाना बनाओ झाड़ू पर लगाने वाला झाड़ू लगाएगा कोई तक मतलब है तो गुरुजी को ऊपर चप्पल ऊपर चप्पल से मारे बोल के कौन बोला है चप्पल से मारे बोला कौन बोला अभी बताओ जब बोल रहे थे तो आवाज आ मारो 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 करके किसके आवाज मारो कौन बोला अभी सब बोल रहे थे बोलो हमारे पास वीडियो फिर दिखाएंगे आप लोग बोल रहे थे वही वीडियो दिखाएंगे हम लोग किसके पास है वो वीडियो दिखाएंगे ना सर के सामने दिखाएंगे अभी बोले बच्चे अभी शांत हो गए बोलो कौन बोला है कौन बोला है बोलो चप्पल से मारा बोल कौन बोला है बोलो कोई कराएगा नहीं तो छोटे बच्चे करेंगे नहीं ना उतना चप्पल मारते ही बोला मैं चप्पल मारो लेकिन जो भी है रोक सकते थे अगर इन लोग को आप बोले कि मारो सब मिलके तो अगर चप्पल उठा रहे थे ना तो दूसरा भी चीज एक माध्यम रहता है और बच्चे का तो पहला एक है कि बच्चे मार ही नहीं सकते अधिकार नहीं है इनको ये एक ना कानून साइड से ये अधिकार मिलता है कि टीचर बच्चों को नहीं मार सकते तो बच्चों को भी अधिकार है कि वो अपने टीचर को नहीं मार सकते बच्चे नहीं मारे टीचर पढ़ाने के लिए आता है ना गुरु स्वरूप है वो भगवान है छोड़ देने इसको ताला लगा जाओगा ना क्यों इनके कारण नहीं नहीं तो ये अभी बोल रहा नहीं नहीं नहीं
मत करो बिगड़ेगा आदमी बाल में बच्चे चलो इसको हटाओ ना ऐसा बोलोगे तो गलत है क्या बोलता है 500 बोलवाए ना 500 के भी फल रहता है गुरु जी आप करने रहे हैं कोई दूसरा जगह दे नहीं हम इसको नीला के नाम एक मत कीजिए इसको दया कीजिए आप इसको यहां दूसरे जगह दूसरे जगह दे दो बस उसके बाद शांत हो जाएगा जहां भी जहां काम होगा बोलो नहीं हम तो जहां बोल रहे हैं वो जाना इस स्कूल में भेजेंगे हां बात करवाना उस स्कूल के बच्चों का भी क्या होगा भविष्य है वो भी कपड़ा है हां बात तो नहीं यहां से मुक्ति मिल जाएगा यहां से मुक्ति मिल जाएगा वो बच्चे खेलेंगे आप अपना पहले नाम व्यवहार बदलो अपने आप को बदलो फिर दूसरे की बात आप सुधार ना तू अधिकारी रोज आना जाना करते हैं उस रोज अधिकारी की निगरानी हो रहे हम लोग गांव वाले सब गरीब माँ बाप है इसलिए हम लोग शासकीय में भेजते हैं सब पैसा रहता हम लोग अपना वहाँ पे भेजते हैं प्राइवेट में यहाँ पे जाके हम लोग वही चाहते हैं कि अपना अपना बच्चे थोड़ा सा सीखे बोल रहे हैं आप बताओ कि क्या सीखे अपना बच्चे मेरे को नहीं पता था कि खड़े नहीं रहे गाँव का विकास बच्चों का हित के लिए शिक्षा के लिए है ना कोई भी चाहे अस्पताल हो चाहे आंगनवाड़ी हो है ना चाहे राजस्व विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो गांव में स्थापित रहता है भवन रहता है संचालित रहता है ये जो चलाने का शासकीय रूल्स है ना लेकिन इसको देख रेख करना है ना संचालन करना किसका होता है गांव वाला है ना गांव वाला का रहता है ना तो सबसे पहला हमारे आंगनवाड़ी में क्या चीज की कमी है अस्पताल में क्या चीज की कमी है स्कूल में किस चीज की कमी है ये चीज को देख ले करना है ना बैठो बैठो पर बैठो अरे आप बैठिए ना बैठो वहां पे आप बैठिए तुम्हारा रुक वहां हर लोग का तक तर बुलाना पड़ेगा ये विशेष ध्यान देना आप लोग के ऊपर रहना पड़ेगा हमारा वही बात आ रही है जैसे हम बोल रहे हैं बिना चैनल का एकदम हाईलाइट करना हमको पता ही नहीं हमको पता ही नहीं पहले तो हम समझ ही नहीं पाए हमारे प्लान का है कि कहाँ का हाँ यही ये भी बात है जब मोबाइल में देख वायरल तब हम नहीं जो हुआ यहाँ हुआ वो चीज तो मोबाइल में नहीं करता और जब भी ऐसा होता है कि मोबाइल हम गांव में कोई कार्रवाई नहीं की है और हाईलाइट कर दे रहे ये भी गलत है सब दोषी साबित हो जाती है आज तुम्हारे गलती के कारण अपना काम धंधा सब छोड़ के सब आए यहाँ पर गलती की हो ना तब तो इतना हम लोग आए हैं इन लोग बेचारे काम धंधा में जाते नहीं तो बिना गलती के छोड़ जाते हैं तो तुम अपना खुद सोचो ना नौकरी मिलता नहीं है आजकल लोग परेशान है ये गांव में सबसे ज्यादा वही समझा तीन बार समझा शासकीय नौकरी शासकीय नौकरी को अच्छे से करना है ना दारू पीने का टाइम गया बचपना रहा उस समय पिए अब पढ़ाना है बैठे तुम पी के आओगे बच्चे क्या सीखेंगे करो
और दे दो पानी में पानी से दो आवेदन से दो आवेदन कराइए जो भी है जैसा भी है हम आपके साथ हैं जिसके लिए बोलूं है ना स्कूल में क्या पढ़ने वाले बताइए आवेदन दीजिए एक बार सीएससी साहब रूम लिख के दिए हैं सभी बच्चे यहीं बैठे देखिए बैठ जाते हैं एक आवेदन बनवा दीजिए जी हाँ मन सांगा हम लोग भी खाली गुरु नहीं गांव वाले के सियान के ऊपर भी कोई हाथ नहीं उठाओ अपने पिताजी को बड़े भाई को बड़े बहन को हाथ नहीं उठाना है गाली नहीं देना है ना शिक्षक आपको सिखाते हैं ना पढ़ाते हैं ना है जब आओ अच्छे से पढ़ोगे तब तो देखोगे ना ये पढ़ाई का ये रिजल्ट है जो सर आए हैं ना ये भी इसी तरह से पढ़ाई करके आप लोग जैसे पढ़ के यहाँ पर पहुंचे लेकिन एक जो मर्यादा होता है संस्कार होता है सभी को ना मान के रखना है छोटे को छोटे बड़े को बड़े माँ बाजी वाले बोल रहा हूँ बाजी वाला बेटा तनखा के लिए तुम खूब परेशान हो रहे हो लेकिन बच्चों का लाइफ के लिए नहीं सोच रहे गाँव वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लाइफ नहीं सोच रहे हम अच्छे से करोगे तभी तनखा से लेके जाएंगे अब तुमको क्या टेंशन है क्या टेंशन है कोई नहीं मानते मशीन मंगाऊंगा मशीन है खाना मशीन है मशीन होने तुम्हारा साथी है कोई भी टेंशन है साथी को बताओ ना भाई तुम्हारा स्टाफ है ना ये इसको लेके तुमको चलना है ना तो बच्चे लोग ऐसी तुमको देखेंगे तो बच्चे लोग क्या सोचेंगे ये भी बेचारे ऐसी नशा करने लगेंगे तुमको अच्छा लगेगा छोटे छोटे बच्चे बेचारे कर पता नहीं क्या बनेंगे कोई क्या बनेगा हैं तो तुम ऐसी नशे में आओगे तो बच्चे लोग क्या सोचेंगे हमारे टीचर को दारू पी के आता है हम भी दारू पिएंगे गलत संदेश जाता है ना उदय अच्छे से रहो बढ़िया नौकरी करो बढ़िया अभी नए नए हो अभी से ऐसा करोगे कैसे होगा बताओ दारू कोई अच्छा चीज है दारू तुम्हारा शरीर भी बर्बाद कर रहा हो नहीं तू भी कर देखे पास दे दे बाहर देने से सुधर जाता है स्कूल के सामने घर है होता है दिमाग नौकरी मिला है उसी का बनिया गांव में भी इसको कई बार मौका सस्पेंड हुआ है उसके बाद
उसके बाद उसको करके इधर किए, अब यहाँ से चालू कर दिए। तो काफी शुद्ध रूप से ठीक है बच्चे हैं। और कभी भी ऐसा समस्या आती है तो आप सर्वम के ऊपर ऐसा चप्पल कुछ भी अभद्र व्यवहार नहीं करना, व्यवहार नहीं करेंगे है ना, उस चीज को यहाँ के दूसरे सर को, सीएससी सर को, गांव वालों को, मुखिया को है, पंच को, सियान आदमी को बताया। कोई भी अधिकारी पहले हम लोग सर, हम लोग कोई नहीं चाहता कि हमारे कर्मचारी को किसी प्रकार का नुकसान, लेकिन जब ज्यादती होता है तो हम लोग को अपना काम धंधा छोड़ के आना पड़ा है यहाँ पर। आज परीक्षा का प्रश्न पत्र बट रहा है, कुछ बट रहा है, हम लोग छोड़ के आए, चुनाव का आदेश बट रहा है, चुनाव का आदेश आया उसको छोड़ के आना पड़ा है। नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ, तुम देखो मेरे को, कल से तुम देखो कैसे हो, ठीक है। हाँ कल आपका रिपोर्ट हम मांग रहे हैं, कैसे ऐसा पाया जाओगे आप फिर दूसरे जगह, उसके बाद आप जाएंगे। गांव के शिक्षक को बच्चों को और अच्छा तगड़ा पढ़ाना चाहिए, पूरा अच्छा से पानी आ जाता है, इसके बारे में भी बात किया है, लेकिन जब तक कुछ घटना नहीं आया नहीं, उससे बारिश के पहले, बारिश के पहले इसको पूरा पानी आता था, तत्काल में आप लिखेंगे सर, रैली के लिए करेंगे, रह जाएगा और क्या आएगा नहीं वाला, इसको लेके आना, बीचे का सीट लगवाना है, लोहे लगवाना तो साथियों, हम लोग के द्वारा जो गांव के जो सदस्य हैं सभी मिलकर इस जो वायरल हुई वीडियो की तहकीकात में आए थे, तो लेकिन आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि विभाग एक्टिव हुआ और आए, और यहां जो औचित्य निरीक्षण है वो सत्य पाया गया, दोनों पक्षों का बात सुना गया, और जो स्कूल की जो स्थिति थी उसको भी उजागर करके अभी सर चले गए हैं। अब देखते हैं आगे जो विभागीय जांच है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, एक वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को खंगाले और यहाँ का जो माहौल था उस चीज़ को समझने की कोशिश किए दोस्तों, तो इसके लिए आपको भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।